गया है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण देने के कैबिनेट प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि जिन्हें आरक्षण की जानकारी ही नहीं है वो लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शौचालय घोटाले, नोटबंदी, जीएसटी समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह से दिया गया है किसी को अगर बालू खनन का ठेका और पर्यावरण के साथ मजाक कर रहा है, जितना बालू निकालना है उससे ज्यादा बालू निकाल रहा है और उसके लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए वह नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप समझ रहे हैं कि हम लोग एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ करें? होने दें। और जब यह निर्णय हुआ तो उसके बारे में बात हो रही है। अब आगे जो कुछ भी होगा बालू का या इन सब चीजों का, जो कुछ भी खनन होगा, तो एक कॉरपोरेशन बना है। अब वो कॉरपोरेशन होलसेल का काम करेगा, खनन करेंगे होलसेल के थ्रू ताकि सही दाम पर लोगों को बालू मिल जाए। लेकिन अब कोई कदम उठाया गया उसमें होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए, तो जो परेशान है वही चिल्लाएगा ना। ये बालू के उल्टा पुल्टा धंधेबाजी में जिसको लाभ मिल रहा था आज उससे वंचित, तो वही चिल्लाएगा ना, दूसरा कौन चिल्लाएगा? चिल्लाने का मतलब ही है कि उस धंधे में लोग संलिप्त थे। तो होम डिलीवरी की बात करने से कितनी कार्रवाई हो रही है? 2 लाख होम डिलीवरी की बात करिए, जरा जाकर के रूरल एरिया में देखिए तो स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हम तो सब दिन बोलते हैं, चाहे आप जितना भी रिफॉर्म का काम करिए, चंद इस तरह की मानसिकता वाले लोग होंगे जो उल्टा पुल्टा धंधा करेंगे और धंधेबाजों को मदद करने वाले सरकारी तंत्र में भी लोग मिलेंगे, मिलते हैं, पकड़ाते हैं। और आप लोगों को नहीं पता है कि अब लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं और लोग पकड़ा रहे हैं, कोशिश हो रही है और ये तो चलता रहेगा। बाप के प्रति कमिटेड है तो चलता रहेगा। ये गाली गलौज ही क्या समाचार का एक विषय है? फलाने ने गाली दी, चिलाने ने जवाब दिया, यही एक न्यूज है? या सड़कों में जो काम हो रहा है वह भी कोई खबर है? या सिंचाई के प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं वह भी कोई खबर है? या 7 निश्चय के अंतर्गत जो नई योजनाएं ली गई वह भी कोई खबर है? हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप बताइए, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो अभियान चल रहा है कितना इसको समर्थन मिल रहा है? और देखिएगा, इस बार 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला होगी, वो पिछली बार से भी बड़ी मानव श्रृंखला होगी, ज्यादा भागीदारी होगी। तो भाई हम लोग लगे हुए हैं काम में। अब आप लगे हुए ही कहने में कि तक गया, इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के कहते हैं मेरे बारे में कि अभी तक गया, इसका तो कैरियर खत्म हो गया। जाने ना दीजिए, तो मिठाई बांटिए कि कोई समझा सकता। तो आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे। नीतीश कुमार ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो या फिर दहेज प्रथा के खात्मे को लेकर हो। अवैध खनन पर भी सीएम नीतीश ने कहा है। और जो लगातार बातें चल रही हैं, विपक्ष जो लगातार उन पर निशाने साध रहा है, उसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोले नीतीश, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो विकास के काम हो रहे हैं वो खबरों में आए, ना कि एक दूसरे द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए। तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर भी कहा कि शराबबंदी सफल हो रही है बिहार में, लेकिन जो लोग आयात करके शराब लेकर आ रहे हैं वही शराब पकड़ी जा रही है और उसको भी धीरे धीरे खत्म कर लिया जाएगा। और वहीं आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे बिहार आरजेडी के 4थी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। सोमवार को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूर्वे ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बताया है। आपको बता दें कि शनिवार को रामचंद्र पूर्वे ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन होने की वजह से उनका निर्वाचन तय था। आरजेडी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि स्क्रूटनी के दौरान रामचंद्र पूर्वे का नाम पत्र समेत पाया गया, इसके बाद उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई। रामचंद्र पूर्वे को लालू प्रसाद ने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2010 में तब सौंपी थी जब नवनिर्वाचित
अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी की विधायक दल का नेता उन्हें बनाया गया था। इसके बाद 2013 और जनवरी 2016 में पूर्वे दो बार लगातार निर्विरोध जीतते रहे और इस बार उनकी चौथी पारी है, जबकि तीसरी बार वो निर्विरोध जीते हैं। लागू हुआ सरकारी सेवाओं में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अलग छाट के देखे 27% हुआ ओबीसी को और जो उसमें तन पिछड़े लोग हैं, मैंने 50 से बेसी नहीं। उस कमेटी में उन दिनों में मैं था, सभी लोग थे। अभी केंद्र में जो मंत्री लोग हैं रामविलास जी भी थे। कि निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए और निजी क्षेत्र जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट हाउस, निजी क्षेत्र का जो परिभाषा समझ, बिहार में कोई निजी क्षेत्र है नहीं, न कोई कल है न कोई कारखाना है। और सोर्सिंग की बात जो कर रहा है तो देश भर के सभी लोगों ने। और इस खबर को और अच्छे से समझने के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए पटना से। मनोज जी, रामचंद्र पूर्वे को एक बार फिर से चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है आरजेडी की तरफ से, कोई बहुत चौंकाने वाला फैसला नहीं है, पहले से ही सबको जानकारी थी, महज औपचारिकता थी। ये नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया, एकमात्र नामांकन पत्र था और निर्विरोध वो चुन लिए गए। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव उन पर भरोसा जता रहे हैं, आगे आने वाले समय में आरजेडी पार्टी की जो पार्टी लाइन है वो किस तरीके से नजर आएगी, राजनीति आरजेडी की किस तरीके से आने वाले समय में दिखाई देगी? अंजलि देखिए, जो रामचंद्र पूर्वे जी का चुनाव हुआ है या वो निर्विरोध चुने गए हैं जी, तो कुल मिला के वो पार्टी की जो सहमति बनी है उसके अनुसार उनको निर्विरोध चुना गया है जी। और निर्विरोध चुनाव से एक संदेश जाता है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कहीं मतांतर या मतभेद नहीं है। तो इस चुनाव में भी वो चीजें देखने को मिली, बिहार और झारखंड दोनों ही जगहों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। और जहां तक रामचंद्र पूर्वे की बात है तो रामचंद्र पूर्वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, अभी बिहार के बहुत लंबे समय से राजनीति का उनका अनुभव रहा है और जिस दौर से अभी राष्ट्रीय जनता दल गुजर रहा है, जिस दौर को वो झेल रहा है उसमें एक अनुभवी नेतृत्व की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए एक अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। और रामचंद्र पूर्वे क्योंकि शांत सहज व्यक्ति हैं और इससे अच्छा व्यक्ति लालू प्रसाद के नजर में अभी फिलहाल ये कहें कि उनको हटा करके किसी दूसरे को बना देना तो एक बदलाव होता, तो कुछ बातें तो होती। इसीलिए उनको कंटिन्यू करते हुए पूरी दल ने उन पर अपना भरोसा जताया है और रामचंद्र पूर्वे आगे राजद को मजबूती दिलाने में कारगर होंगे, इसमें कहीं कोई मतलब सोचने की बात नहीं है, वो अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। मनोज जी, वैश्य समुदाय से आते हैं रामचंद्र पूर्वे और बाकी के जो भी समुदाय हैं उन पर भी उनकी अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं क्या ये एक कारण हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव उन्हें बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जातिगत राजनीति या जातिगत समीकरण हम कह लें कि बदल जाएंगे उनके बदल जाने के बाद से? जी, मैंने कहा कि जब भी कहीं कोई बदलाव होता है, किसी की कुर्सी जाती है जी, तो उस समय भले ही पार्टी ये दिखे कि एकमत हो या उस पर सहमति बने, लेकिन जब किसी को पदच्युत किया जाता है, उस पद से वो हटता है, तो कहीं ना कहीं उसके समर्थकों में, उसके चाहने वालों में भी मरमरी होती है। और जो लंबे समय से रामचंद्र पूर्वे के अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें आरजेडी राजद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस बार के चुनाव में राजद ने जो सफलता हासिल की है, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का ये प्रयास रहा कि कहीं से भी किसी के मन में कोई संशय या कोई मतभेद की बात न उत्पन्न हो, और इसीलिए उनको कंटिन्यू कर दिया गया। और जहां तक मैंने ये भी बताया कि रामचंद्र पूर्वे एक सहज व्यक्ति हैं और जातिगत समीकरण की जहां तक बात है तो वो वैश्य से आते हैं, और क्योंकि ये भी आप जान लें कि वैश्य को माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है, इस लिहाज से भी रामचंद्र पूर्वे को
अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त करना लालू प्रसाद की दूरदृष्टि कही जा सकती है। जी जी मनोज जी, रामचंद्र पूर्वे ने आज अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया, लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद दिया, लालू प्रसाद यादव को कहा कि गरीबों के नेता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो तेजस्वी यादव को लेकर कही। उन्होंने कही कि बिहार में जो 2020 का चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व करना इतनी जल्दी क्या ठीक है? अंजलि देखिए, इसमें जो राजद जिस दौर से गुजर चुका है पिछले 10 वर्षों में, जब राजद सत्ता से हटने अलग होने के बाद पिछले के 10 साल राजद के लिए एक वनवास का समय था, जो सत्ता से काफी दूर था, लगातार उसका जनाधार घट रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में उसका जनाधार भी बढ़ा, राजद सत्ता में भी आया और सत्ता से अभी बाहर भी है। तो इस स्थिति में डिप्टी सीएम जब बनाया गया था तेजस्वी को, तब कई बार ये सवाल उठा था और राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रहा था कि आरजेडी में जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं उनको किनारे करके लालू ने परिवारवाद किया और अपने बेटे को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी। तो ये चूंकि एक ये कहा जाए कि ह्यूमन नेचर, इसको माना जा सकता है कि हर आदमी अपना उत्तराधिकारी चाहता है। जी, जी, जी। और रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं वो सांसद बन गए, लालू प्रसाद के ही समकक्ष मुलायम सिंह यादव के का बेटा जो अखिलेश है वो सीएम बन गए। तो इस तरीके से अब लालू प्रसाद के सामने अपनी विरासत को बचाने के लिए तेजस्वी को आगे करना था। और तेजस्वी जब सामने आए तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं राजद में इसको लेकर के दो फाड़ हो सकता है। लेकिन तेजस्वी ने अपनी प्रतिभा से साबित किया और सारे लोगों को मिलने मिलाने के बाद आज जो भी पुराने नेता हैं उनका यथावत सम्मान रखते हुए तेजस्वी आगे बढ़ते रहे। इसलिए चूंकि लालू का जो जनाधार है वो लालू के विरासत को ही वो जनाधार मिल सकता है, तो इसको देखते हुए आरजेडी की ये मजबूरी भी है कि तेजस्वी को नेता स्वीकार करना। और तेजस्वी के रहते, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ जो पहले माय समीकरण कहा जाता था उसके बाद भी बहुत सारी जातियों का उनको समर्थन मिला है, ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ माय समीकरण ही रहा है। और इस बार जो उनका उनको समर्थन मिला है, जिस तरीके से उनकी सीटें बहुत काफी बड़ी हैं और बिहार की बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं और भी जातियों का योगदान रहा है। और जो 20 महीने में सरकार में रहते हुए और प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत ये कर रहे हैं, तो राजद के लिए ये और राजद के नेताओं को भी ये एहसास है, ये महसूस कर रहे हैं कि तेजस्वी समय की मांग है और तेजस्वी को उन लोगों ने बतौर राजद का नेता प्रोजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता मनोज जी ने बताया कि आरजेडी में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और आने वाले समय में, जैसे कि आज रामचंद्र पूर्वे ने भी कहा कि आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा उन्हीं के नेतृत्व में, तो फिलहाल एकजुट भी दिखाई दे रही है आरजेडी। लेकिन जब चुनाव होंगे 2020 जब आएगा, तो उस वक्त भी इसी तरीके से क्या सहजता से एक्सेप्ट तेजस्वी यादव को किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जिस तरह अपनी पार्टी में एक तांत्रिक को प्रवक्ता बनाया है, उससे अच्छा होता कि ये लोग उन्हें पार्टी में अध्यक्ष बना देते। उन्होंने कहा कि आरजेडी को तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से भी एक कदम आगे निकलकर उनका बेटा सरकारी आवास में शत्रु मरण जाप करा रहे थे। वहीं सुशील मोदी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई विषय नहीं है, कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो रही है। देखो, एमएलए एमपी तांत्रिक को प्रवक्ता बनाने से सत्ता में लौट सकते हैं लालू यादव, तो इससे बढ़िया था कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बना देते। तो लालू यादव इसी तरह का मजाक करते रहते हैं और इसी तरह के हंसी मजाक करके उन्हें रोड पर चलते हुए किसी को कबाब मंत्री को कबाब का मंत्री बना दिया, खाना बनाने वाले को एमएलसी बना दिया, किसी को और कुछ बना दिया, तो यही सब हंसी मजाक करते हुए उन्होंने पूरी जिंदगी काट दिया। ये तो देखिए एक मजाक है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को आप कुछ बनाई तो समझ में आ सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है, तो कोई राजनेता नहीं है, कोई एमएलए एमपी नहीं है, कभी जेल नहीं गया,
केवल इसलिए कि वो तांत्रिक है। तो देखिए, मुझे तो तंत्र मंत्र में बिल्कुल भरोसा नहीं है और लालू जी को तंत्र मंत्र पर भरोसा है। उनके बेटे तो उनसे एक कदम आगे जाकर उन्होंने अपने सरकारी बंगले में और मंत्री रहते हुए और मारण जाप करवाया, फिर भी उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो तंत्र मंत्र के भरोसे ही लोग अगर सत्ता में आ जाते तो फिर जनता की आवश्यकता क्या थी। तो जब जनता पर से भरोसा खत्म हो जाता है तब लोग अंगूठी, तंत्र मंत्र, कर्म कांडों पर उनका भरोसा जाता। और वहीं आरजेडी के काला दिवस मनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले लोग काला दिवस मना रहे हैं। वहीं बीजेपी 8 नवंबर को काला धन रखने वालों के विरोध में काला धन विरोधी दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी पूरे राज्य में जुलूस निकालेगी और जनता को नोटबंदी के फायदों की जानकारी देगी। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा है। जनता को बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिला में उस दिन जुलूस निकालेगी। कहीं कहीं उस पर हम सम्मेलन कर रहे हैं। हम उस जनता को बताएंगे, बिहार वासियों को बताएंगे कि नोटबंदी का क्या लाभ है। और नोटबंदी तो भारत के गरीबों की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने शानदार ढंग से इस लड़ाई को जीता है। और काला धन रखने वालों का